ये एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और यहाँ पर एक ब्लॉक ऐसा दिखाया गया है, एक ब्लॉक है, थोड़ा सा वर्टिकली ज़्यादा दिखाया गया है, मान लो एक ब्लॉक है ऐसा, और ये ब्लॉक इधर की तरफ वी स्पीड से मूव कराया जा रहा है, स्प्रिंग इसमें अटैच्ड है, स्प्रिंग अटैच्ड है, और यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक है ऐसा, ये इनिशियली इधर 3V स्पीड से जा रहा है, 3V स्पीड से, और इसका मास 2m है। क्वेश्चन ये लिखा है, ए बी इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, एंड वन एंड ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज अटैच टू ए ब्लॉक ऑफ मास m विच इज बींग मूव्ड लेफ्ट विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v, एंड द अनदर एंड इज फ्री। Another block of mass 2m is given a velocity 3v towards the spring. Magnitude of work done by external agent in moving m with constant velocity v in long time is beta times mv square. Then the value of beta. तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि जैसे ये एक 2m mass का एक ब्लॉक है जिसको 3v स्पीड से इधर धकेल दिया गया है, और ये v एक m mass का एक ब्लॉक है जिसको v फोर्स लगाया जा रहा है, और v constant स्पीड से, मतलब अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है तब तो फोर्स की ज़रूरत है ही नहीं है, लेकिन जब ये इसको धक्का दिया जाएगा और ये इसे टकराएगा तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी तो उसको उधर धक्का देगी, और उधर धक्का देगी तो उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए, उसकी स्पीड अगर नहीं बढ़ रही इसका मतलब कोई इधर से फोर्स लगाया गया होगा, और जितने टाइम में स्प्रिंग कॉम्प्रेस रहेगी और फिर से ये नेचुरल लेंथ में आएगी और उस टाइम तक ये फोर्स लगातार इसको धक्का एक पुश देता रहेगा तभी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, उस दौरान इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसा कुछ करना है। तो इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लें, तो अगर हम इसको अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसको यूज़ कर दें अगर हम, या अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब मैं ये करना चाहता हूँ कि इस दोनों के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है जो एक्सटर्नल फोर्स है जो इसके ऊपर लग रहा है, तो ऑल फोर्स के नाम पर एक ही फोर्स है, तो ऑल फोर्स के नाम पर एक ही फोर्स है, तो इस फोर्स का जो वर्क होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो दिस मीन्स के टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो हमें सिर्फ ये पता करना है कि के फाइनल, इसकी स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, तो इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं, चेंज अगर आया तो सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया होगा। तो हमें पता ये करना है फाइनली कि हाफ 2m, हाफ इंटू 2m, उसको तो मैं ऐड सबट्रैक्ट करके क्यों टाइम वेस्ट करूँगा, 2m इसकी अगर मुझे पता चल जाए v2 स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर, ये बस क्वेश्चन हो जाएगा, हमें v2 पता करना है। तो एक टाइप का इलास्टिक कोलिजन है ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में भी क्या होता है कि जब भी दो बॉडीज टकराती हैं तो टक्कर होने के बाद क्या होता है कि उनके बीच में एक टेम्पोरेरी डिफॉर्मेशन होता है, तो वो डिफॉर्मेशन स्प्रिंग की तरह काम करता है, इलास्टिक स्प्रिंग की तरह काम करता है, और वो डिफॉर्मेशन की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को वापस मिल जाती है, वही काम यहाँ पर हो रहा है। इन दोनों का जब ये टक्कर होगी तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड होगी, तो इसमें इन दोनों की सिस्टम की जो काइनेटिक का जो पार्ट है वो इसके पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, लेकिन फिर से जब ये रिलीज़ होगा काफ़ी टाइम के बाद, तो रिलीज़ होने के बाद इसकी पोटेंशियल फिर से सिस्टम को वापस मिल जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहेगी। तो इन दोनों के ये स्प्रिंग के थ्रू जो इंट्रैक्शन हो रहा है उसको मैं कोलिजन का एक पार्ट मानते हुए क्वेश्चन को आसानी से कर दे रहा हूँ। तो इलास्टिक कोलिजन है तो मैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला जो फॉर्मूला है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, ये जो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ई से लिखते हैं, ये होता है v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2। मैंने इसको 2 कह दिया है मान लो, और इसको 1 कह दिया है, तो ई इलास्टिक कोलिजन है तो 1 होगा, v2 मतलब इस ब्लॉक की बाद वाली वेलोसिटी जो मुझे निकालना ही है, और v1 मतलब उस ब्लॉक की बाद वाली वेलोसिटी, लेफ्ट को अगर हम पॉजिटिव माने तो v है डिवाइडेड बाई फर्स्ट ब्लॉक की पहले वाली वेलोसिटी, तो v है, और इस वाले ब्लॉक की पहले वाली वेलोसिटी तो ये भी 3v है ना,
मैंने लेफ्ट को पॉजिटिव मान लिया है. सो दिस कम्स आउट टू बी वी टू माइनस वी इज इक्वल टू माइनस टू बी. सो वी टू इज इक्वल टू माइनस बी ना, माइनस बी. इसका मतलब जब स्प्रिंग पूरी तरीके से वापस आ जाएगी, मतलब स्प्रिंग के एनर्जी सिस्टम को वापस मिल जाएगी, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस ब्लॉक विल मूव. अगर इसको मैंने पॉजिटिव माना हुआ है और इसकी वेलोसिटी बाद वाले नेगेटिव आ रही है, तो इधर चल पड़ेगा, तो वी वेलोसिटी से इधर चल पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि एक ही बार कोलिजन होगा, जब ये इधर चल पड़ेगा इसका दूसरा कोलिजन नहीं होगा. तो बस हो गया क्वेश्चन. अब अगर इसमें वी टू हम लोगों ने निकाल लिया, वी टू ही यहाँ रखना था, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो वर्क डन इज योर आंसर विच कम्स आउट टू बी हाफ इंटू टू एम इंटू वी टू स्क्वायर इज वी स्क्वायर माइनस नाइन वी स्क्वायर. सो दिस इज माइनस एट एम वी स्क्वायर ना. सो दिस इज एट टाइम्स वैल्यू वाइज अगर हम वर्क डन की वैल्यू निकालें तो एट टाइम्स एम वी स्क्वायर है. तो बीटा की जगह 8 आ गया, इंटीजर टाइप में रहा होगा, तो ये आंसर आ गया, आंसर इज 8. सो दिस इज द राइट सॉल्यूशन, है ना. सो होप यू विल अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन, एंड वी विल बी बैक आफ्टर अ वेरी फ्यू आवर्स इन द सेकेंड सीजन दैट विल कंटिन्यू, है ना. हम और भी अच्छे क्वेश्चंस लाएंगे और इसको देखा जाएगा कैसे आए. तब तक हमारे